Hello friends, good morning to all of you. Happy Monday. Vocab day 23. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए. आज का पहला वर्ड है आपके सामने. क्या ये कौन सा वर्ड है ये आपके सामने, जिसको प्रोनाउंस करेंगे हम ट्रोगलो डाइट. दोबारा सुनिए, ट्रोगलो डाइट, ट्रोग्लोडाइट. और इसका नेचर क्या है? नाउन है. अब इसका अगर हम बात करें तो इसके हिंदी मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होगा सन्यासी, जो अकेला रहता हो, एकांतवास में रहता हो, आदि मानव, ठीक है, हर्मिट जिसे बोलते हैं. तो जब भी ट्रोग्लोडाइट आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग सन्यासी, आदिवासी, जो एकांतवास में रहता हो. ओके, एकांतवासी. अब चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड क्या होता है? एकांत. क्या होता है? एकांत होता है. इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एकांत होता है. अब सिनोनिम्स देखें तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे हर्मिट, रिक्लूज, सॉलिटरी, सॉलिट्यूडिनेरियन, सॉलिट्यूडिनेरियन, सॉलिट्यूडिनेरियन. इसको दोबारा सुन लेंगे, सॉलिट्यूडि नेरियन. कभी कभी हमें भी दिक्कत हो जाती है. सॉलिड्यू सॉलिटूडिनेरियन, सॉलिटूडिनेरियन. आगे बात करें केव मैन की, ब्रेन, केव ड्वेलर. ओके, ये सभी क्या है? इसके सिनोनियम्स हैं. इसको ध्यान रखिएगा, सॉलिटूडिनेरियन, सॉलिटूडिनेरियन. ओके, इसको हर्मिट तो आपने सुना ही होगा. अब बात करते हैं आगे एंटोनियम्स की. एंटोनियम्स जो इसका उल्टा देंगे, जो एक सोशल लाइफ जीता हो, जो लोगों से मिलनसार रहता हो, मॉडर्न, ट्रेंडी, जिस आपके सामने लिखा भी है, ह्यूमिनिटेरियन, सिटिंग, सोफेस्टिकेटेड, स्टैंडिंग, हिस्टर, मॉडर्न, ट्रेंडी, ये सब क्या है इसके? एंटोनियम्स है. यहाँ पर एक ही मतलब होता है आपको ये वर्ड्स से शो करने का कि आप इसे अपने वोकैबुलरी में यूज़ करेंगे. And you have to, okay? And you should have to use this kind of word in daily routine. अब बात करें sentence की, flint stone were used by troglodyte. जो flint stone होते थे वो कब use किए जाते थे? कौन use करता था उन्हें? आदिवासी. यहाँ पर इसका मीनिंग क्या आ गया? आदिवासी. ये इसका मीनिंग आ गया. अब बात करते हैं इसके आज के दूसरे वर्ड की. और दूसरा वर्ड क्या है आज का? एक्सपाउंड. एक्सपाउंड मीन्स होता है किसी की मतलब व्याख्या करना, एक मीन्स उसे विस्तार से बताना उसको. ओके, अब बात करें इसके नेचर की, तो ये वर्ब है और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना. अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो एड डिटेल्स एज टू एन अकाउंट और आइडिया, क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ एंड डिस्कर्स इन अ लर्न्ड वे, यूजली इन राइटिंग. ये आमतौर पर लिखने में यूज होता है और बोलने में भी यूज करते हैं, लेकिन यूजली इसको लिखने में यूज करते हैं. अब बात करें इसके, तो जैसे आपने क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन में देखा होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर एक्सपाउंडेडली दीजिए. तो कैसे देना होता है उसका? एक्सपाउंडेडली मतलब विस्तार से, व्याख्या से देना होता है, ब्रीफ नहीं. अब बात करें इसके सिनोनिम्स की, डिलेट, एलोबरेट, एनलार्ज, एक्सपेंड, एक्सपेटिएट, एक्सपोजिट, फ्लैश आउट, एक्सप्लेन, ल्यूक्यूब्रेट, ल्यूक्यूब्रेट, इलस्ट्रेट. ये क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स होंगे जो सेम मीनिंग देते हैं, व्याख्या करना. अब बात करते हैं एंटोनियम्स की. एंटोनियम्स जो ब्रीफ में होगा, छोटा होगा, कन्फ्यूज, एब्रिवेट, कॉन्ट्रैक्ट, डाइजेस्ट, ऑफ्यूस्केट. ओके, ऑफ्यूस्केट, हैव अ प्रॉब्लम. देखिए जितना कोई छोटी बात करता है हम सोचता है इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जब कोई हमें विस्तार से बताता है हम सोचता है ये तो समझ में आ गया. तो इस तरह से जो विस्तार चीज़ होती है वो जल्दी समझ में आती है, और जो कन्फ्यूज करता है वो छोटी चीज़ करती है आपको. ओके, अब मान लीजिए किसी ने कहा कि कुछ भी एग्जाम्पल दिया किसी ने, वो दो लाइन में दे दिया और वही वो 500 वो 500 वर्ड्स में देता है, तो इसमें डिफरेंस आता है कुछ ना कुछ. ओके, अब बात करते हैं
इसके सेंटेंस की, द आर्टिकल एक्सपाउंड द वर्चूज ऑफ अ हेल्थ डाइट। जो आर्टिकल था उसने उसमें किसकी व्याख्या की गई है? हेल्दी डाइट के गुण की, वर्चू माने। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि वर्चू माने क्या होता है? गुण होता है, गुण मतलब खासियत। अब बात करें वैन सेकंड की, तो वैन आर्ट्स टू एक्सपाउंड शी हैड नो कमेंट। यहाँ पर दा की जगह कर लेंगे शी। ओके दोस्तों, मिसप्रिंट हो जाता है टीम से। When asked to expound, she had no comment. जब उससे कहा गया है कि इसकी व्याख्या करो तो उसकी कोई कमेंट नहीं थी। ओके अब बात करते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल की है। He expounded a system. उसने एक सिस्टम की व्याख्या की, based on, जो आधारित था the record of nearly 300 eclipse. Eclipse क्या होता है? Eclipse होता है ग्रहण। मतलब जो उसने एक सिस्टम की व्याख्या की जो 300 ग्रहणों की रिसर्च पर, रिकॉर्ड पर आधारित था। तो ये थे आज के दो वर्ड्स, दो सिनोनिम्स, एंटोनियम जिसकी हमने बात की। और यहाँ से आई होप आपने 20 वर्ड्स ऑब्टेन किए होंगे। तो यूज दैट, यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड इन डेली रूटीन अगेन एंड अगेन। आई रिपीट इट, बट यू हैव टू डू एंड यू विल हैव टू डू फॉर बेटर वोकैब, फॉर बेटर कन्वर्सेशन। ओके तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए, बने रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। रात बहुत हो गई है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।